बीच को पान करेंगे, लेकिन प्रभु का अंदर में विश्व ब्रह्मांड विद्यमान। अभी विश्व ब्रह्मांड घबरा गए, बोले प्रभु इसकी स्तन में दूध है ही नहीं, वो तो केवल बीज जहर भर करके लेकर के आई। अगर आप बीज पान करोगे ना, हम सब के सब मर जाएंगे, प्रभु उसको बीज स्तन पान मत किया करो। सारा दुनिया घबरा गए। इतने में भगवान आंख बंद करके श्री भोले बाबा को बोले, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्या बात? बोले बात क्या है, आपका काम तो बीज पीना और मेरे काम दूध पीना, आप बीज बीज को पी लो और मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। इसलिए भगवान आंख बंद की। इतने में पुतना ने प्रभु को स्तन मुंह में दी। भगवान स्तन क्या पान करेंगे, ठाकुर जिसको प्राण को सुचड़ दिए। पुतना उनको छुड़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं सकी। बोले क्यों? भगवान बोले देखो, सहज में मैं किसको पकड़ता ही नहीं, और मेरे को एक बार अगर कोई मेरे को पकड़ लेना, अगर मैं किसको एक बार पकड़ लेता हूँ, अभी तक तो मैं किसको छोड़ना सीखा ही नहीं। और तू मेरे माँ रूप लेकर के आई, फिर गोद में ली, फिर अपना स्तन में मुंह दिलाई, मैं कभी तेरे को छोड़ सकता हूँ? जब तक तेरे को गोलोक वृंदावन नहीं पहुँचा दूंगा, तब तक मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं, किसी तरह से छुड़ा नहीं सकी। फिर तो पुतना सोची मैं मथुरा में चला जाऊँ, मेरी भैया कुछ कर सकता है। इतने उसने उठाया पुतना को, उन्होंने उड़ चली। जब उड़ चली, बोले कहाँ जाओगे? तेरे को जाने नहीं दूंगा, ब्रज से बाहर जाने नहीं दूंगा। श्री कंस महाराज का एक बड़ा सुंदर बगीचा थी, जिसमें बड़े सुंदर फल फूल से एकदम हरा भरा थी, सबसे सुंदर बगीचा। लेकिन कंस का निर्देश था, यहाँ के कोई भी फल फूल किसी ब्रजवासियों को नहीं मिलनी चाहिए, ये मेरे को और मेरे अनुजाई जितने राक्षस को मिलनी चाहिए। देखो माताएं ध्यान दे रही हैं, कहते और किसको नहीं मिलनी चाहिए, मेरे और मेरे अनुजाई को मिलनी चाहिए। कृष्ण ने कहा भैया दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा, और मेरे को नहीं मिलेगा और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, और जितने दुष्टों को मिलेगा अभी तेरे को दिखाता हूँ। इसलिए उन्होंने पुतना को उड़ा करके वहीं पर ले गए। पुतना कितनी बड़ी थी? बोले त्री गब्बी थी, बोले 8 मील लंबी चौड़ी थी, इतनी लंबी चौड़ी। और उन्होंने पुतना को उड़ा करके लिया और उसी बाग में धड़ांग करके गिराया, जितने पेड़ पौधा फल फूल का समझ कर दिया। देखो आप लोग 7 दिन तक कथा सुनोगे, इसका शिक्षा थोड़ी सी लेकर के जाओ, इतनी सी कम से कम बात लेकर के जाओ। इसमें श्री जीव गोस्वामी बहुत अच्छी बात बताते हैं, माताएं ध्यान देकर सुनो, इतनी बात यहाँ से लेकर जाओ। क्यों पुतना को वहाँ उड़ा करके ले गए और वो बगीचा में क्यों गिराया और सारे तसनस क्यों कर दिया, इसका रहस्य किया? बोले इसका रहस्य बताए, ये उपनिषद कहता है ये विश्व ब्रह्मांड ठाकुर का है, भगवान ये दुनिया को बनाया। बोले बनाया तो दुनिया भगवान ने, फिर क्या करनी चाहिए? बोले तेना तेक्तन भंजिता, घर में जो कुछ उठाओ पहले ठाकुर जी को भोग लगा, तुलसी पत्ता से भगवान को भोग लगा। क्यों? दुनिया उसने बनाया। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाएगा, बोले प्रसाद सर्व दुखानाम, जो मेरे को प्रसाद भोग लगा कर खाएगा उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा, उसका सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन मेरे को जो भोग नहीं लगाएगा, बोले भुंजनते तो अघम, कहते कि बोले पाप भोजन होता है। और मनु संहिता कहता है स्वान विष्टा समचरना, जो ठाकुर को भोग नहीं लगे हैं, कितना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अगर प्रसाद खाएंगे हमारा मन भी पवित्र बनेगा, घर भी पवित्र बनेगा, बच्चे भी पवित्र बनेगा। देखो भगवान को भोग देने का कितना पुण्य है, अगर नहीं दोगे तो कितना बुरा है। आप लोग कृष्ण लीला देखे होंगे, जिस समय कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, जो गुरु माता सुदामा जी को कुछ चाना दिया, बोले सुदामा ये चाना कृष्ण को दे कर खाना। अब कृष्ण लीला देखे हो टीवी में, देखना सुदामा छुपा छुपा कर खा रहा था चना, भगवान ने कहा मेरे हिस्सा खा दिया तूने, तेरे को इसका दुर्गति भोगना पड़ेगा, इतने गरीब इतने दुख कष्ट जीवन में उठाए। बोले क्यों? बोले भगवान को बिना दिए उसने खाए। फिर धनी का बना, जब सुदामा की पत्नी को पता चला इनके बचपन का दोस्त कृष्ण है, अभी ये द्वारकाधीश है, बोले जाओ एक बार कृष्ण को दर्शन करके आओ, बोले खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने 2 मुट्ठी चिड़वा लेकर गए, कृष्ण 1 मुट्ठी खाए, कृष्ण 2 मुट्ठी खाए। जब 3री मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़, बोले नहीं प्रभु आपने 2 मुट्ठी भोग लगाया उसको घर में,
त्रिभुवन का राज्य पहुंच गया। अगर आप तीसरे बोटी खाओगे तो मेरे को दासी बनना पड़ जाएगा। सुदामा जब घर में आया क्या देखा, सोने के महल बने, पत्नी रानी बनकर के बैठी हुई, पत्नी को पहचान नहीं पा रहा। इतने ऐश्वर्य प्रभु दिया। भगवान शिक्षा देते हैं, अगर हम भगवान की भोग ला कर खाएंगे ना, घर में माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद होती है, माँ लक्ष्मी घर में कृपा होती है। इसलिए क्या करना है, जो कुछ खाना क्या करना, ठाकुर जी को क्या करोगे बोलो, ठाकुर जी को लगाएंगे तो। लेकिन एक समस्या भी है, बोले क्या समस्या, अगर प्याज लहसुन खाएंगे तो भोग लगा ही नहीं सकते। अगर प्याज और तो कोई उल्टा पुल्टा चीज खाते नहीं होंगे, लेकिन एक उसमें बीच में दोष प्याज लहसुन है, कोशिश करना इतनी सी चीज छोड़ने के लिए। बोले प्याज लहसुन क्यों छोड़ेंगे, उसमें क्या, आप लोग नवरात्रि रख रहे हो अभी, कौन कौन नवरात्रि रख रहे हो, हाथ उठा दो। क्या ये 9 दिन तक प्याज लहसुन खाते हो, बोलो खाते हो कि नहीं, नहीं खाते। बोले क्यों नहीं खाते, ये प्याज लहसुन में क्या दोष है, देखो इसमें दो कथा आई। एक कथा आई, जिस समय समुद्र मंथन से अमृत निकली, मोहिनी अमृत बांट रही थी देवताओं को, बीच में चंद्र सूर्य के बीच में ये दैत्य बैठ गया, स्वर्भान नाम का दैत्य, उसने धोखे में भी अमृत पी लिया। चंद्र सूर्य ने इशारा किया, प्रभु ये दैत्य ने धोखे से अमृत पी लिया। भगवान ने चक्र बुलाया और उसको गले काट दिया। जब काटे जहां पर उसको मांस गिर पड़ा, वहीं पर ये प्याज की लहसुन है। आप देखना मांस जैसे लाल रंग के, प्याज में भी लाल रंग के, जैसे मांस सड़ जाने पर बदबू आती है, प्याज में भी बदबू आती है। आप कच्चा प्याज खाओ, सामने किससे बात नहीं कर सकते हो, यहाँ प्याज कटे पूरा पता चलेगा कहीं प्याज कटे रही है, आंखों से आंसू आ जाती है। इसलिए देखना किसी देवताओं की सेवा में ये नहीं लगता है, कृष्ण राम कोई भी भगवान की सेवा में ये चीज नहीं लगती है। इसलिए 9 दिन तक क्यों, हम 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाते, ये माता को पसंद नहीं, तभी तो नहीं खाते है ना। क्या माँ को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर प्याज खाकर नाराज बना, बता। इसलिए जिस चीज माँ को पसंद नहीं, वो चीज हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए। इसलिए लहसुन जहां पर हड्डी गिरा वहां पर लहसुन की पौधा हुई, जहां पर खून की बूंद गिरी वहां पर मसूर दाल हुई। इसलिए देखना जो बड़े बड़े लोगों को पूछो, पहले ये 3 चीज को कोई घर में नहीं घुसाते, इसको पाप मानते थे, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव से धीरे 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 लोग उसको खाना शुरू कर दिए। लेकिन कोई भी पहले किसी हिंदू घर में ये चीज नहीं घुसता था, क्यों, हर हिंदू घर में पहले ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति भगवान की भोग लगा कर खाना यही चीज होती थी। ये निकृष्ट जाति के लोग खाया करते थे, इसको कोई अच्छे आदमी नहीं खाते थे। ब्रज में तो हम वृंदावन में रहते हैं, ये 84 क्रोश में कहीं भी ये प्याज लहसुन का प्रवेश वर्जित था, कहीं भी प्रवेश नहीं करता था। ये एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है, पहले ऋषि मुनि आश्रम में गैया पालते थे, अगर कोई गैया बूढ़ी हो जाती तो उसको मारने नहीं देते, क्यों, गो माता है। वो यज्ञ करके यज्ञ में गैया को बलिदान देते थे, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में ऐसे दिव्य मंत्र होता था, वो मंत्र पढ़ करके फिर उन्होंने गैया को जिंदा कर देते थे। कोई गैया बूढ़ी हो गई, बलिदान दिया, सबको हाथ में मांस दे दिए आहुति डालने के लिए। हर तरह के व्यक्ति होते हैं, किसकी मन में इच्छा होगी खाने के लिए, बोले सबको सामने खाए कैसे, बोले रातों में छुपा दो, सब चले जाएंगे तो खाऊंगा, सबके सब आहुति दिए, ऋषि मंत्र पढ़े, गैया जवानी बन कर करने के लिए। लेकिन जिस अंग का मांस को छुपाया था वहां पर घा बना हुआ, भरा नहीं। ऋषि त्रिकाल दृष्टा थे, ध्यान लगाया, देखा किसी ने मांस खाने के लोभ से उसने छुपाया, फिर तो उन्होंने अभिशाप दे दिए। बोले जहां पर ये मांस को छुपाया वहीं पर मांस से प्याज होएगी और हड्डी से लहसुन और खून से मसूर की दाल होएगी, पुराण में दूसरी कथा ये आती है। इसलिए ये नवरात्रि में माताएं जो लोग नवरात्रि रखते हैं कोई ये चीज को नहीं खाते हैं, ठाकुर को सेवा पूजा में नहीं लगती है। अगर इतनी चीज छोड़ दोगे ना, अब देखना फिर तो हर चीज भगवान को भोग लगा सकते हो। लेकिन हम कहते भैया प्याज लहसुन के बगैर स्वाद नहीं आएगा, भोजन में स्वाद नहीं आएगा। देखो अभी जो खाना बन रही है प्रसाद, आप लोग खाते हो, कौन कौन खाते हो प्रसाद, इसमें स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। प्याज लहसुन डालने से ये दो गुंडे हैं,
ये प्याज लहसुन ने ये दो गुंडे हैं। हर सब्जी का एक स्वाद है, दाल चावल सभी का एक स्वाद, लेकिन ये प्याज लहसुन जब डाल देते हैं ना, ये दो गुंडे आ जाते हैं। बोले भागो यहाँ से, दाल की स्वाद भागो, सब्जी की स्वाद भागो, उन्होंने सबको उन्होंने भगा देते हैं। भगा करके उसमें अपना जो टेस्ट है प्याज लहसुन का टेस्ट उसमें आ जाती है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, भैया इसके बगैर तो टेस्ट नहीं आएगा। नहीं, इसमें टेस्ट नहीं, उसमें बदबू है। आप कुछ दिन ये चीज को नहीं खा करके देखो, ये चीज को कुछ दिन मत खाया करो, आप देखो अगर जहां पर ये प्याज कटेगा ना, बैठ भी नहीं सकते हो, मतलब उसमें इतने बदबू आएगी बैठ भी नहीं सकते हो। हम लोग तो बैठने पर हमारा सर दर्द होना शुरू हो जाती है, लेकिन हम उसको खा करके आदत हमने बिगाड़ चुके, अपना आदतों को हमने बिगाड़ चुके हैं अपना आदतों को। इसलिए कोशिश करना कि अगर दो चीज को छोड़ दोगे फिर तो भगवान के भोग लगा करके, अभी कितने तरह का मसाला है, हाँ टमाटर है, थोड़ा हींग रखो, कितने तरह का मसाला है उसको डालो सब्जी में, ठाकुर जी को भोग लगाओ और घर में प्रसाद खाओ। आप लोग स्वयं देख लेना, जिस घर में बहुत परेशानी, किसी तरह से परेशानी जा ही नहीं रही, आप स्वयं ये चीज को कर देख लो, घर में जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगाओ, आप प्रसाद पा करके स्वयं देख लेना। गीता का श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखानां, कृष्ण स्वयं कहते हैं हे अर्जुन जो मेरे को भोग लगा कर खाएगा उसको सब दुख दूर हो जाएगी, घर में शांति सुख घर में आ जाती है। इसलिए कोशिश करना कम से कम कथा से इतनी सी चीज लेकर के जाओ, घर में जो खाएंगे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, बच्चों को भोग प्रसाद खिलाओ, देखना बच्चे की स्वभाव भी शांत शिष्ट धीर स्थिर, मन को शांति मिलेगी। क्यों, जैसे खाओगे अन्न वैसे मिलेगा मन, ठीक है, इतना चीज लेकर के जाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अभी राधा रानी जन्म लेगी। देखो कल कथा में सबसे बड़ा उत्सव है, कल श्री गिरिराज पूजन है, भगवान स्वयं आशीर्वाद दिए। जो व्यक्ति गिरिराज की सेवा में एक अन्न का दाना अगर कोई भोग लगा दे, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा। ये भगवान कृष्णा स्वयं गिरिराज स्वयं वरदान दिया है। इसलिए गिरिराज का एक नाम ही सर्व अभिष्ट प्रदाता। गिरिराज कौन कौन गए हो, हाथ उठाओ, कौन कौन गिरिराज गए। अब देखना 12 महीना गिरिराज की परिक्रमा लगती है। अब देखना गिरिराज में पत्थर को ऊपर में पत्थर रखा हुआ, देखे हो क्यों, जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, अब देखना पत्थर को ऊपर में जितने पत्थर रख लेते हैं उसका उतना मंजिली मकान गिरिराज बना देते हैं। अभी हम लोग कथा करने के लिए बड़ौत गए थे, बड़ौत गए थे, एक व्यक्ति को घर में हम गए, व्यक्ति को घर में गए थे, उसको देखा बहुत 3 मंजिली मकान, बड़े बड़े मकान है। हमने देखा, एक साल पहले भी गए थे, उसका घर नहीं था, साधारण घर। मैंने कहा भैया एक साल में इतने बड़े मंजिली कैसे मकान बना दिए। बोले हम गिरिराज गए थे तो वो गिरिराज शिला के ऊपर 3 शिला मैंने रख करके आया, 3 पत्थर, और ठाकुर जी मेरे को एक साल में 3 मंजिली मकान दे दिया। ये सही घटना में बता रहा हूं। इसलिए गिरिराज की इतनी कृपा, बोले क्यों इतना कृपा, ये गिरिराज की पूजा किसने की, स्वयं बांके बिहारी। दुनिया बांके बिहारी की पूजा करता है, लेकिन ये बांके बिहारी किसको पूजा की, अपना हाथों से कृष्ण गिरिराज की पूजा की है। परिक्रमा किसने लगाए, कृष्ण स्वयं, राधा रानी को साथ में, ब्रजवासियों को साथ में, भगवान स्वयं गिरिराज की परिक्रमा लगाए। इसलिए जो व्यक्ति गिरिराज में गए होंगे, देखना 12 महीना दिन रात परिक्रमा लगती रहती, कोई दूध की धार की, कोई दंडवती दे करके है, तरह तरह के गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, जिनका बेटा बेटी की शादी। अब देखना पेड़ में बंधा हुआ, उसमें धागा बंधा हुआ, देखते थे बोले क्यों, बोले जिनकी नौकरी चाकरी नहीं, जिसकी बिजनेस चल नहीं रहा है, जिनके बेटा बेटी की शादी नहीं होती है, वहाँ संकल्प करके आते हैं। और ठाकुर जी सभी राज महाराज की, हर जोर से जयकार लगा, जो जितने जोर से जयकार लगा गया गिरिराज को उतना ही पाप कटेगी और उतना ही हमारी जयकार होगा। बोले श्री गिरिराज महाराज की। राधा रानी किसको बनाया ना, राधा रानी किसको बनाया, उसको बोलो रेडी करके रखो, अभी मैं बुलाऊंगा तो लेकर के आना, इसको सर पर चुंदरी डाल कर लाना। आप लोग सब बैठो, हाँ
देखो कहते ये जो लोग डायरेक्ट ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ते हैं, कुछ कुछ लोग कहते हैं भैया आप वृंदावन में जाओ, देखना सबके सब वृंदावन में किसकी नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से। कहते आप इतने राधे 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 बोलते रहते हो, ये भागवत ग्रंथ में फिर राधा जी का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि भागवत ग्रंथ को बताया अर्थ अयम ब्रह्म सूत्रा नाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप असो वेदार्थ परिवर्णित। कहते जितने वेद पुराण उपनिषद है वो सारी ग्रंथ का सारी भागवत। बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिकोचित। अगर भागवत रस अगर किसको लग जाए ना तो दुनिया की सारे रस उसको सामने फीकी पड़ जाती है। बोले भागवत सारे वेद पुराण उपनिषद का सार है, फिर ये भागवत आप तो इतने राधे राधे बोलते हो, फिर ये भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं, कुछ लोगों का प्रश्न है। लेकिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले भैया भागवत में तो राधा को छोड़कर और कुछ है ही नहीं, भागवत तो राधा ही का ग्रंथ है। बताओ ये ग्रंथ का नाम क्या, बताओ तो बोलो ग्रंथ का नाम क्या, केवल भागवत नहीं इसका नाम श्रीमद् भागवतम। बोले श्रीमद् मतलब क्या, श्री मतलब शोभा सौंदर्य व ऐश्वर्य व लक्ष्मी। बोले मूल लक्ष्मी कौन है, बोले श्री राधा रानी। इसलिए ये भागवत नहीं बोले ये श्रीमद्, श्री मतलब राधा जी की, मद मतलब प्रेम, जैसे कोई मद पीता है ना शराब पीता है, इसलिए कहती है भागवत नहीं बोले ये श्रीमती राधा रानी की, मद मतलब क्या है प्रेम, ये राधा रानी के ये प्रेम रूपी ग्रंथ हैं। हम लोग भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं, उदाहरण दिया कोई एक सेठ था, वो सेठ खूब पैसा कमाता है लेकिन पैसा रखता है किसको पास, बोले सेठानी के पास, सारे पैसा सेठानी के पास में रखता है। और सेठानी क्या करती है, आलमीरा में लाख लाख रुपया की गड्डी की गड्डी बना कर रख रही है और सोना चांदी हीरे जवाहरात को बड़े सुंदर आलमीरा में सजा कर रखती है। एक दिन क्या हुआ, वो सेठानी एक दिन वो सेठानी पागड़ी बन गई, पागली में हो गई, पागली में हो गई तो उसने जो गड्डी के गड्डी लाख लाख रुपया की थी उसको लेकर के छत के ऊपर में गई और जा करके उसने उसको लुटाना उसने शुरू कर दी। इतने में लाख लाख रुपया गड्डी के गड्डी हीरे जवाहरात से लुटाए और जितने दुखी दरिद्र थे ना वो सब के सब उठा करके माला माल हो गए। कहते उसी तरह कहते ये जो श्रीमद् भागवत है, कहते भैया यहाँ सेठ कौन है, बोले ये सावरिया सेठ कृष्ण भाग्य बिहारी, ये तो खूब माल कमाता है, उनके प्रेम की माल कमाता है लेकिन किसको पास में जमा करता है, राधा रानी सेठानी को पास में, राधा रानी मैन सेठानी से राधा रानी इनको पास में सार धन को जमा करके रखती है। और एक दिन राधा रानी कृष्ण प्रेम में पागली बनी, पागली बन करके छत के ऊपर में गई और जो कृष्ण प्रेम था उसने उसने उसको लुटाना शुरू किया और लुटाना शुरू किया तो बोले किस चीज की, बोले कृष्ण प्रेम को उसने लुटाना शुरू किया। और आप और हम जैसे कृष्ण प्रेम के जो भिखारी, कृष्ण प्रेम को जो दरिद्र है और उसको उठाया और माला माल हम हो गए। इसलिए कहते हैं ये भागवत नहीं, बोले ये क्या है, बोले श्री मद, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, मद मतलब होता है प्रेम। जब राधा रानी कृष्ण प्रेम में मतवाला बनती है तब ये कृष्ण प्रेम को लुटाती है। इसलिए हम कथा नहीं सुन रहे हैं, राधा रानी जो कृष्ण प्रेम को लुटा रही हैं और प्रेम को हम लूट रहे हैं, प्रेम को हम लूट रहे हैं और लूटेंगे तो क्या हम मालामाल सबके सब हम मालामाल हो जाएंगे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु के भक्त लोग कहते हैं बोले भैया भागवत में तो राधा जी के नाम पर कुछ है ही नहीं, भागवत में तो केवल राधा ही राधा ही है। बोले प्रश्न होता है फिर उन्होंने स्पष्ट रूप में क्यों नहीं बोले, देखो इसके चार पांच कारण बताऊंगा, कल फिर आपसे सुनूंगा देखूंगा कौन बोल पाता है, ठीक है। पहला कारण है क्यों राधा जी का नाम नहीं, भागवत का सबसे पहले टीकाकार एक बहुत बड़े वैष्णव हुए जिनका नाम थे श्रीधर स्वामी, बहुत बड़े सबसे पहले भागवत के ऊपर टीका उन्होंने लिखी। ये श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था श्रीधर स्वामी।
वो कहते हैं राधा नाम उच्चारण मात्रेण सड़मार्षिक मूर्छा भवे। जब श्री सुखदेव गोस्वामी, ये सुखदेव कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा रानी की प्रियतोता है। जब ये एक बार राधा जी का नाम लेते थे ये 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा भैया मेरे पास में केवल 7 दिन की कथा सुनाने के लिए, अरे एक बार श्री राधा जी का नाम लिया और अगर हमने बेहोश हो गया तो फिर ये कथा को हम 7 दिन में कैसे सुनाएंगे। इसलिए उन्होंने श्री राधा जी का नाम उन्होंने पहला कार हाथों में मेहंदी लगाते हो। कौन कौन मेहंदी हाथ में लगाते हो आप बता सकते हो?